आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म को पूंजी पर्याप्तता मानदंड भी कहा जाता है हिंदी में। ये होता क्या है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैंकों में जो डिपॉजिटर है, जो आम जनता है, निवेशक है, उसने जो अपने पैसे लगाए हैं बैंकों में, अगर कल को ऐसा होता है कि बैंक को बंद करने की नौबत आ जाती है, तो किस तरह से उसके पैसे को सेफगार्ड रखते हुए बैंक की लिक्विडेशन कराई जाए। मतलब और संक्षिप्त में समझिए, अगर नेगेटिव से नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में एक डिपॉजिटर के पैसे को सेफ रखना बैंक की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो आम जनता का पैसा होता है, किस तरह से आम जनता के पैसे को सेफ रखा जाए अगेंस्ट ऑल द नेगेटिव सर्कमस्टांसेस विच कैन बी बैंक्रप्सी, विच कैन बी लिक्विडेशन ऑफ द बैंक इटसेल्फ, दोज नॉर्म्स, उन गाइडलाइंस को हमने कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म कहा है। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म के वैसे तो 4 से 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मगर उन कंपोनेंट्स में जो सबसे टेक्निकल और सबसे मेन होता है, जो आज की लेक्चर का 75% का हिस्सा बनेगा, वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में बढ़ने से पहले हम कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म के क्या वो 5 पॉइंट्स हैं उनको ज़रा देख लेंगे। सॉल्वेंसी सिचुएशन को रेफर कर रहा है ये नॉर्म, इतना आपने समझना है कि जो बैंक है उसकी सॉल्वेंसी सिचुएशन कैसे होनी चाहिए, मतलब किस तरह से वो बैंक अपने डिपॉजिटर के पैसे को सेफगार्ड करके अपने लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकता है और बिल्कुल प्रयासरत रह सकता है, इस अग्रसर हो सकता है इस मोटिव में कि उसका जो पैसा है, बैंक का जो पैसा है, वो डूबे नहीं, बैंक कभी बैंकरप्ट ना हो। बैंक भी बैंकरप्ट हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, कभी इस पर भी एक वीडियो शूट करेंगे। पहले हम आते देखते कि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म के वो क्या 5 फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्लीज पे अटेंशन। जो पहला फीचर होता है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स का, आपको जो नोट्स भेजा गया है 7 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, प्लीज़ उन नोट्स को खोल लीजिए। उनमें सबसे पहला मैंने लिखा है, मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, वो हाथ से लिखा होगा पेन से, यस प्लीज़, हाँ फोटो है नोट्स की, दैट ओनली, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ठीक है। ज़रा बी वाला देखिए, बी वाले में आपके पास है बेसल कमिटी। स्टूडेंट्स, बेसल कमेटी की अगर हम बात करते हैं, बेसल कमेटी आने वाले समय में हम एक देख सकते हैं, इस पर भी एक लेक्चर शूट हो सकता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए छोटी सी नोटिफिकेशन ये है कि आप जो टॉपिक समझना चाहते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, वीडियो वर्दी है आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट है अगर वो टॉपिक, तो आप डेफिनेटली कॉमेंट्स में वो टॉपिक लिखिए और जितना जल्दी हो सकेगा हम उस टॉपिक पे एक वीडियो शूट करके अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। सो वी वर अपॉन बेसल कमेटी। बेसल कमेटी खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज बेसल कमेटी एक यूनिवर्सल नॉर्म को लॉन्च किया था, जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म का एक काफ़ी ज़्यादा योगदान बेसल कमेटी का रहा है। बेसल कमेटी के बाद हम आते हैं जिसमें मैंने बोला कि हमारे आज के लेक्चर का 75% हिस्सा वो कवर करेगा, और वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है CA में, CS में, NET में, MBA में, CAT में, काफ़ी जगह कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से आपको 3 से 4 MCQ बहुत आराम से देखने मिल जाते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बाद एक और कंपोनेंट जो हमें यहाँ पे समझना है कि इंडिया और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स का क्या रिलेशन रहा है। जो इंडिया में, एज आई सेड, ये यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल था तो मतलब इंडिया में भी अप्लीकेबल हुआ, बट हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम नरसिम्हन कमेटी की बात करेंगे, दैट हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरैक्टेड एंड इनैक्टेड द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स विच वर सेट अप बाय द बेसल कमेटी। ये 4 पॉइंट्स के अलावा एक चीज़ जो आप इनमें नहीं पाओगे, मगर एक समरी मैंने क्रिएट की है, तो आप ज़रा जल्दी से page number 5 पे आ जाइए, और वहाँ पे मैंने कुछ अन्य चीज़ें लिखी हैं, Tier 1, Tier 2, रिस्क वेटेड एसेट और सबऑर्डिनेट डेट। ये जो 4 चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ही अंतर्गत आता है। इनको अलग से इसलिए लिख दिया, इसके समझने में आप समझोगे उसको, अलग से इस वजह से लिख दिया बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई कि ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे अलग से भी
10 से 12 क्वेश्चंस बन सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यू हैव टू स्टडी दोज फोर टॉपिक्स स्पेशली. जल्दी से आते हैं, एक एक टॉपिक को कवर करते हैं, ए बी और डी को, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपका 20 से 25 मिनट लेगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास जो नोट्स हैं वहीं से मैं देख रही हूँ, प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात करते हैं. प्लीज़ पे अटेंशन, आपके नोट्स में जो चीज़ें लिखी हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो मैं समझा रही हूँ, तो आप कुछ देर के लिए अपना कॉपी बंद कर सकते हैं एंड प्लीज़ फोकस अपॉन हियर. जब आप कोई म्यूचुअल फंड्स का, जब आप कोई शेयर का, जब आप कोई स्टॉक का ऐड देखते होंगे टीवी में, तो उसमें क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. ओके, ये प्रूडेंशियल नॉर्म का एक एग्जाम्पल है. प्रूडेंशियल नॉर्म के तहत कानून ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को प्रायोजित कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टर शुड बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हिज मनी इज मोर ऑफ अ इन अ एंटिसिपेटरी सिचुएशन. इन्वेस्टर को इस चीज़ का ज्ञात होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मार्केट के अप और डाउन से पूरी तरह पे निर्भर करता है, पूरी तरह से उस पर निर्भर करता है. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसको डिविडेंड बहुत हाई मिल सकता है, देर इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी कि उसका सारा पैसा डूब सकता है. प्रूडेंशियल नॉर्म्स, अगर हम प्रूडेंट शब्द पे आते हैं, तो प्रूडेंट शब्द का मतलब होता है अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना. तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स मतलब द नॉर्म्स विच आर कॉन्टिन्यूसली यूजिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द इन्वेस्टर एंड एनलाइटनिंग द इन्वेस्टर अपॉन द इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर. तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स में मैंने लिखा है, दे आर फॉर्म्यूलेटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स. वैसे ये पूरा ही उस पर बेस्ड है, मगर प्रूडेंशियल नॉर्म्स इट इज मोर लाइक द मॉरल साइंस फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द कंपनी. यहाँ पे अभी हम कुछ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव नहीं देख रहे, इट इज जस्ट द मॉरल सिचुएशन ऑफ द इन्वेस्टर्स कि हाँ इन्वेस्टर आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि आपका पैसा पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड हो रहा है, और कहीं से अगर आपका पैसा डूब जाता है तो वो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, और ना ही अगर आप बहुत डिविडेंड अधिक प्राप्त करते हो तो वहाँ कंपनी आपसे हिस्सा नहीं मांगेगी. ब्रोकरेज कमीशन की बात अभी हम हटाते हैं. प्रूडेंशियल में बस इतना है, बुद्धि विवेक से अपने इन्वेस्टर को सचेत रखना, अवेयर रखना. बेसल कमिटी, मैंने बोला था बेसल कमिटी जो है ना, ये आने वाले समय में एक टॉपिक आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे एक लेक्चर इसका अपलोड हो सकता है. बेसल कमिटी है क्या, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ बेसल कमिटी क्या है, क्योंकि आज का मेरा मेन फोकस है ये जो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. हाउएवर दिस डजंट मीन कि आप बाकी तीन छोड़ सकते हैं. बेसल कमिटी जो था ये एक कमिटी फॉर्म की गई थी जिसका मेन टारगेट था पूरे विश्व के, इंडिया के या इंग्लैंड के या जर्मनी के नहीं, पूरे विश्व के बैंकों में एक तरह से कोऑर्डिनेशन लाना, कोऑपरेशन लाना. वैसे ये जो कमिटी थी इसका नाम पहले कुछ और हुआ करता था, क्योंकि ये बेसल शहर में इसकी फॉर्म्यूलेशन को इनैक्ट किया गया था, इसका नाम बेसल कमिटी रखा गया था. बेसल कमिटी के तहत हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को पढ़ेंगे जो अब आने वाला है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसल कमिटी द्वारा सुझाया गया एक सबसे बड़ा गाइडलाइन था. तो आज के लिए आप बस इतना समझिए कि बेसल कमिटी ने कुछ नॉर्म्स प्रोड्यूस किए जिनमें से सबसे बड़ा था कैपिटल एडिक्वेसी का नॉर्म, एंड बेसल कमिटी हेल्प्ड द एंटायर वर्ल्ड एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टू कम टू अ कंक्लूजन अपॉन देयर बैंकिंग सिस्टम. ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरे विश्व भर में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा है. ठीक, अगर आप ये समझो कि अगर बैंकों में कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कितना हैपजर्ड हो जाएगा, इनफैक्ट कभी कभी तो ये पॉसिबल भी नहीं हो सकेगा. बट सिंस द बैंक्स आर फॉलोइंग द सेम यूनिवर्सल नॉर्म विच हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द बेसल कमिटी, इट इज़ पॉसिबल टू इनैक्ट एंड ट्रांजैक्ट द बिजनेस बेस्ड अपॉन द ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड
वर्ल्ड इकोनॉमी, इज दैट ओके? बेसल कमेटी के बारे में जरा हम देखते हैं, जो हमने नोट्स में लिखा है, आई एम रीडिंग द वर्ड्स विच आई हैव रिटन. द बेसल कमेटी अपॉइंटेड द BIS फॉर्म्यूलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल बैंक. नाउ देयर वी गो. जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, उन सेंट्रल बैंक को कैसे काम करना है? सेंट्रल बैंक हमें नॉर्म सजेस्ट कर रहा है, कमर्शियल बैंक तुम ऐसे काम करो, कमर्शियल बैंक ऐसे काम करो. RBI को कौन बता रहा है तुम ऐसे काम करो? गवर्नमेंट. हाँ ठीक है, गवर्नमेंट, मगर बेसल कमिटी के गाइडलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी आर इवॉल्विंग टू बी अ वर्ल्ड इकोनॉमी. इज दैट ओके? दिस कमिटी प्रिस्क्राइब द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म द C1 इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स. आर वी वेरी क्लियर अबाउट इट? हम अभी फोर्थ पे आते हैं, सी पे. एज आई सेड, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, वील कवर आफ्टर वी हैव फिनिश्ड द ऑल थ्री. We are going to talk about how did the Indian government responded to the capital adequacy norm. See, India में एक 1991 में दो चीज़ें हुई थी. 1991 में एक आई थी आपकी economic policy, liberalization, privatization, globalization. और एक नरसिम्हन कमेटी भी 1991 में इंडिया में बनी थी. नरसिम्हन कमेटी हमारे देश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनेंशियल काउंसिल की तरह काम की और काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल अपग्रेडेशंस, रूल रेगुलेशन में जो बदलाव आए, अमेंडमेंट्स आए फिनेंशियल मैनेजमेंट में. आज जो CA के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो नियम कानून के तहत हैं, वो नरसिम्हन कमेटी द्वारा ही लाई गई थी. ज़रा हम देखते हैं नरसिम्हन कमेटी के बारे में आपने क्या पढ़ना है. इसमें छोटी सी चीज़ लिखी है मैंने, क्योंकि नरसिम्हन कमेटी हमारे देश में 1991 और 1992 के तहत, 1991 में इसका गठन हुआ था और 1992 से 1993 के ये फिनेंशियल ईयर में नरसिम्हन कमेटी ने एक क्लेम और एक गाइडलाइन इशू की थी जो हर बैंक्स को फॉलो करना था. वो गाइडलाइन क्या था? ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना, ये सारे बैंक को कम से कम 8% तो रखना ही रखना है. बात समझ में आ रही? इन्होंने, नरसिम्हन कमेटी ने बोला कि हमें ये जो बेसल कमेटी की रिपोर्ट मिली है, उन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का जिक्र किया है इंडिया जैसी कंट्री के लिए 1992 वाले एरा में, ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 8% होनी चाहिए. इज दैट ओके? क्लियर है इतनी सी बात? अब उसके बाद 2000 में आ जाइए, 2000 में फिर से नरसिम्हन कमेटी ने एक रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट की और उन्होंने बोला कि देखिए 9% कर दीजिए. इन द ईयर 2000 इसी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 9% कर दिया गया और 2002 में इस एडिक्वेसी को 10% कर दिया गया. ये जो आप बदलाव देख रहे हैं एक एक परसेंट का, 1992, 2000, 2002, 10 साल के दरमियान 8%, 9%, 10%, ये सुझाव नरसिम्हन कमेटी ने दिया था. एंड दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनेंशियल इनैक्टमेंट, अमेंडमेंट एंड रूल एंड रेगुलेशन विच वॉज कॉन्टेम्प्रेरी बींग चेंज्ड इन द कंट्री लाइक इंडिया. एंड नाउ दैट वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, आने वाले समय में आप अगर जनरल नॉलेज को लेकर अपडेट रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्म्स अभी और बदले जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग बढ़ाए जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग घटाए जाएंगे, इनमें अभी और बदलाव करके आपको देखने मिलेंगे. इज दैट ओके? अब आ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्ट टू कॉपी दिस, यू कैन कॉपी दिस डाउन एंड 2 मिनट्स ब्रेक, देन वील स्टार्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो.